हेलो एवरीवन, टुडे इन अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेप्स और प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर एंड अकाउंटिंग एंट्रीज। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इशू ऑफ शेयर, ए कंपनी कैन इशू इट्स शेयर फॉर कैश। एक कंपनी अपने शेयर को कैश के लिए इशू कर सकती है, और ये जो कैश कंपनी रिसीव करती है थ्रू इशू ऑफ शेयर, इसमें पहली कंडीशन है इन लमसम अलोंग विद एप्लीकेशन। मींस इस कंडीशन में अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर जो है ये एप्लीकेशन मनी के साथ ही रिसीव करती है। सेकंड केस है इन इंस्टॉलमेंट एंड डिफरेंट स्टेजेस, दैट इज़ पार्टली ऑन एप्लीकेशन, पार्टली ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन वन और मोर कॉल्स। इस सेकेंड स्टेप में कंपनी शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगती है डिफरेंट स्टेजेस पर, जिसमें कुछ पैसा पार्टली ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कुछ पैसा मांगती है, फिर कुछ पैसा अलॉटमेंट पर मांगती है, और बैलेंस जो होता है उसको एक या दो कॉल्स में कंपनी मांगती है। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ आपको कि एक कंपनी अपने शेयर को कैश के लिए इशू करती है, और ये कैश कंपनी एक साथ पूरा पैसा मांगती है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे लम सम अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। मीन्स एप्लीकेशन के समय ही कंपनी पूरा पैसा मांगती है। जैसे सपोज करिए 10 रुपीज़ का शेयर है, तो कंपनी ने पूरा का पूरा 10 रुपीज़ एक साथ मांग लिया यहाँ पे एप्लीकेशन के समय, दैट इज़ कॉल्ड लम सम अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। और दूसरा केस आपको बताया गया कि इंस्टॉलमेंट में कंपनी क्या करती है कि कंपनी शेयर का पैसा डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में मांगती है। जैसे सपोज करिए 10 का शेयर है, इसमें जो है इंस्टॉलमेंट कंपनी ने बनाया कि 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पर मांगा गया, फिर 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मांगा गया, इसके बाद फिर नेक्स्ट 3 रुपीज़ जो है ये फर्स्ट कॉल पे मांगा गया, और बैलेंस जो है 2 रुपीज़ ये फाइनल कॉल पे मांगा गया। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर कंपनी पैसा पब्लिक से डिमांड करती है तो दैट इज़ कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट एंड डिफरेंट स्टेजेस। और ये स्टेजेस आपने यहाँ पर देखें कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इस तरीके से कंपनी पैसा मांगती है। तो हमें एंट्रीज भी इसी पैटर्न पे करना होगा। इन डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट एंट्रीज विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट कंडीशन है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी अपने शेयर को इशू करती है, कैश के लिए इशू नहीं करती है, बल्कि डिफरेंट अदर ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने के लिए करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी शेयर को इशू करती है एक वेंडर को, जिससे कि कंपनी ने कोई एसेट खरीदा हुआ है, तो एसेट की वैल्यू का सेटलमेंट कंपनी कैश ना दे करके यहाँ पर वेंडर को कंपनी जो है वो शेयर दे देती है और उसका सेटलमेंट करती है। इसी तरीके से कंपनी जो है प्रमोटर्स को शेयर इशू करती है, उनकी फीस पे करते समय जो है उनको कैश में पेमेंट ना करके उनको शेयर इशू कर देती है कंपनी, तो ये प्रमोटर को भी पेमेंट जो है कैश में ना दे करके शेयर के थ्रू सेटल किया जाता है। तो दिस इज़ द केस ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट अब हम अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करते हैं कि जब एक कंपनी अपने शेयर को लमसम अमाउंट एक साथ एप्लीकेशन के समय मांगती है, तो उस कंडीशन में बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज क्या की जाएगी। और इसमें केस हमने लिया है व्हेन शेयर इशूड एट पार, मीन्स यहाँ 10 रुपीज़ का शेयर है और 10 रुपीज़ में ही पब्लिक को ऑफर किया गया, तो दिस इज़ कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट पार। और यहाँ पर जो अकाउंटिंग एंट्रीज किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, जब एप्लीकेशन मनी मिलेगा कंपनी को तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ करेंगे, और यहाँ पर 10 रुपीज़ से पूरी एंट्री होगी एक साथ। यहाँ पर ध्यान देंगे अगर नंबर आप शेयर सपोज करिए कि 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया, तो उस केस में 1 लाख इंटू 10 कर देंगे, और यहाँ पर फिर एंट्री जो होगी वो 10 लाख से हो जाएगी। फिर ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर और ट्रांसफ़र टू एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो उस केस में एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको ध्यान रखना है कि उतना ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा जितना कि कंपनी को शेयर इशू करना है, और अगर इफ़ एनी एक्सेस अमाउंट रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर सपोज करिए कि ये कंपनी का जो ऑफ़र था शेयर का
ये ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ तो जितना भी एक्सेस अमाउंट आएगा एप्लीकेशन का, उस एक्सेस को कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। और रिटर्न करने के लिए जो कंपनी यहाँ पर एंट्री करेगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलाटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना अमाउंट रिटर्न किया जाएगा उसको यहाँ पर लिख करके एंट्री किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लमसम केस में एंट्रीज़ को करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो ये थर्ड एंट्री बताई गई ये तभी होगा जब रिटर्न का केस होगा। अगर रिटर्न का केस नहीं होगा तो फिर इस एंट्री को करने की ज़रूरत नहीं। तो फर्स्ट टू एंट्री करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट केस है इन लमसम मेथड में ही, कि जब पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही कंपनी ले रही है, लेकिन कंडीशन है कि इशू ऑफ शेयर जो है ये प्रीमियम पर हुआ है। शेयर का जो इशू हो रहा है वो प्रीमियम पर, सपोज करिए 10 का शेयर 12 रुपीज़ में इशू किया गया, तो यहाँ 2 रुपीज़ जो एक्सेस है ये प्रीमियम है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब एंट्री हम करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, एप्लीकेशन जब रिसीव होगा प्रीमियम के साथ, तो उस समय यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बिल्कुल सेम एंट्री होगी जैसा कि एट पार वाले केस में था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 12 रुपीज़ से अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ शेयर जितना भी होगा उसे मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू को यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर आर ट्रांसफ़र टू एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना शेयर ऑफर करना है उसके अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहाँ पर जितना शेयर का के ऊपर प्रीमियम मांगा गया उसके अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में हमने 2 रुपीज़ प्रीमियम मांगा था, तो 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर जितना भी होगा उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई एक्सेस अमाउंट रिटर्न किया जाएगा, एक्सेस एप्लीकेशन आ गया और उस केस में कंपनी रिटर्न करेगी, तो रिटर्न के लिए एंट्री आपको बताया गया शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इस तरीके से यहाँ पर एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट रिटर्न किया जाएगा एप्लीकेंट्स को जिन्होंने एक्सेस अमाउंट अप्लाई किया हुआ है। तो ये लमसम केस में एंट्री हम करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी में। नेक्स्ट केस आता है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड शेयर मनी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। जब कंपनी शेयर को इशू करती है कैश के लिए और यहाँ पे जो पैसा मिलता है उसको इंस्टॉलमेंट में मिलता है, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है, फिर कॉल मनी का पैसा आता है। और कॉल मनी यहाँ पर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट, अब जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव करती है तो उस केस में कंपनी को किस तरीके से स्टेप वाइज हमें एंट्री करनी होती है, या जो स्टेप्स हैं उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, तो रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी होगा। यहाँ पर पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होती है और उसके बाद फिर इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो जो रिस्पेक्टिव शेयर कैपिटल अकाउंट होगा उसमें जब ट्रांसफ़र करेंगे तो सेकंड एंट्री ट्रांसफ़र की होगी, और साथ में अगर कोई रिटर्न भी होता है तो सेम टाइम उस एंट्री को कंपाउंड एंट्री में रिकॉर्ड कर देते हैं। इसके बाद ट्रांसफ़र करने के बाद कंपनी अलॉटमेंट करती है और अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पहले होगी, पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा, ड्यू करने के बाद फिर अलॉटमेंट रिसीव होगा, फिर इसके बाद अलाटमेंट के बाद जो भी पैसा होता है उसको कॉल मनी कहते हैं। और कॉल मनी भी कंपनी एक या दो कॉल में मांग सकती है। तो सपोज करिए यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉल लिया, तो फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, इसी तरह फिर आगे सपोज करिए सेकंड या फाइनल कॉल है तो सेकंड कॉल पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। तो इस तरीके से कंपनी शेयर की इंस्टॉलमेंट में एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, और इसी सिक्वेंस में एंट्रीज़ को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंपनी के किया जाता है। अब इसकी एंट्री को आप समझिए, जब शेयर का पैसा कंपनी इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है और यहाँ पर इशू ऑफ शेयर एट पार है, मीन्स 10 का शेयर 10 रुपीज़ में दिया जा रहा है, लेकिन इस बार पूरा पैसा एक बार में नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट में लिया जा रहा है, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में, मीन्स पहले एप्लीकेशन मनी आएगा, फिर अलॉटमेंट मनी आएगा, फिर फर्स्ट कॉल आएगा, इसी तरह सेकेंड कॉल आएगा या फाइनल कॉल। तो इस तरीके से कंपनी शेयर का पैसा रिसीव करती है। तो सपोज करिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, तो एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होगा तो एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर और पर शेयर एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू को लिखा जाएगा। सेबी का गाइडलाइन यहाँ पर ध्यान रखना है, सेबी प्रिस्क्राइब करता है कि एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द
इशू प्राइस, जो शेयर का इशू प्राइस है उससे के 25% से लेस नहीं होना चाहिए। वेयर एज कंपनी एक्ट यहाँ पर कहता है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द फेस वैल्यू, जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी है वो 5% ऑफ द फेस वैल्यू होना चाहिए। एप्लीकेशन मनी आने के बाद यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कोई एक्सेस अमाउंट है, इफ़ एनी एक्सेस अमाउंट रिटर्न टू एप्लीकेंट्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था और यहाँ पर एप्लीकेशन मनी कुछ लौटाया गया, तो जितना लौटाया जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और उस रिटर्न अमाउंट को यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये एप्लीकेशन मनी रिसीव, ट्रांसफ़र और एक्सेस रिटर्न का एंट्री होने के बाद अलाटमेंट आएगा, और अलाटमेंट में हमने आपको बताया कि अलाटमेंट पहले ड्यू किया जाता है और उसके बाद रिसीव किया जाता है। तो जब अलाटमेंट ड्यू करेंगे आप, तो शेयर अलाटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर जिनके ऊपर ड्यू हुआ पर शेयर अलाटमेंट मनी जितना है उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू लिखा जाएगा। इसके बाद अलाटमेंट मनी रिसीव होगा, तो जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, पैसा किसका मिला अलाटमेंट का, टू शेयर अलाटमेंट यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल जनरल का सिंपल सा रूल है, जब भी आपको पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और पैसा किसका मिल रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ अलाटमेंट का मिल रहा है तो टू शेयर अलाटमेंट कर देंगे, अगर यही फर्स्ट कॉल का मिलता तो टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाता, फाइनल कॉल का मिलेगा तो टू शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल एंट्री है, इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होगा और फिर रिसीव होगा, तो फर्स्ट कॉल जब ड्यू होगा तो एंट्री करेंगे आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेम इसी तरह सेकेंड कॉल अगर ड्यू हो रहा है और रिसीव हो रहा है, तो आप देखिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू हुआ तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब रिसीव किया जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरीके से हम इशू ऑफ शेयर एट पार के केस में जब इंस्टॉलमेंट में शेयर को इशू किया गया और पार्टली अमाउंट जो है एप्लीकेशन पे, पार्टली अलॉटमेंट पे, पार्टली फर्स्ट कॉल पे, पार्टली सेकंड कॉल पे पैसा रिसीव किया जाएगा, तो एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी करेंगे। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं आप। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, पेबल एट ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ऑन अलाटमेंट, ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो आप यहाँ देखिए 30 एप्लीकेशन, 40 अलाटमेंट, 70 हो गया, 20 फर्स्ट कॉल, 90 हो गया, तो बैलेंस हुआ आपका 10। इसका मतलब फाइनल कॉल हमारा ₹10 से होगा। एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर 10,000 शेयर, और एप्लीकेशन यहाँ रिसीव होता है 10,000 शेयर पे, अलाटमेंट एंड कॉल मनी आर ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर्स, सभी शेयर पे अलाटमेंट और कॉल मनी रिसीव हो गया, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो एंट्री हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 शेयर पे ₹30 से था तो 3 लाख रिसीव हुआ। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 लाख ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद अलाटमेंट ड्यू होगा, शेयर अलाटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये अलाटमेंट हमारा ₹40 से है, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 40 ईच, 4 लाख हुआ। फिर अलाटमेंट का पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलाटमेंट अकाउंट 4 लाख मिला। अलाटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹20 से फर्स्ट कॉल था, 10,000 × 20, 2 लाख हुआ। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 लाख। इसके बाद सेकेंड कॉल हमारा ₹10 से था तो शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट किया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 शेयर पर ₹10 से 1 लाख हुआ। और फिर इस पैसे को रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 1 लाख। इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में कंपनी के रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है, मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर ऑफ 100 ईच, पेबल एट ₹30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर्स, यहाँ पर आप देखिए ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, 1,000 ज़्यादा हुआ। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ 1,000 शेयर एंड देयर एप्लीकेशन मनी बींग रिफंडेड इन फुल,
और यहाँ पे रिटर्न किया, द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर्स एंड ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। यहाँ पर कॉल का पैसा 100 शेयर पे नहीं मिला, बाकी सभी मिल गया। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ मोनार्थ मूवर्स लिमिटेड। तो अब यहाँ पर एंट्री देखेंगे आप। सबसे पहले आपको अप्लीकेशन यहाँ पर 13,000 शेयर्स है, जबकि ऑफ़र 12,000 का था, तो 1,000 को रिटर्न किया गया है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा आपका 13,000 पर, और पर शेयर एप्लीकेशन मनी है 30 रुपीज़। तो 30 × 13,000। फिर हम यहाँ से शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 30 × 12,000, और रिटर्न करेंगे 30 × 1,000। तो सी द एंट्री, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 13,000 शेयर एट द रेट ऑफ 30 3,90,000, ये मिला। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000, यहाँ पर 12,000 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे 12,000 × 30। रिटर्न करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 शेयर पे 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लौटा देंगे 30,000। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे यहाँ 40 रुपीज़ पर शेयर, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 12,000 शेयर × 40 रुपीज़ 4,80,000। फिर ये पैसा पूरा रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 4,80,000। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट कॉल ड्यू किया गया 20 रुपीज़ से, तो शेयर फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ ऑन 12,000 शेयर, तो 2,40,000। यहाँ पर 100 शेयर पर पैसा नहीं मिला, तो 100 × हमारा फर्स्ट कॉल था 20 रुपीज़ से, तो 22,000 रुपीज़ यहाँ पर हुआ, माइनस हो जाएगा। 2,40,000 में से 2,000 माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,38,000। फिर सेकेंड कॉल हमारा 10 रुपीज़ पर शेयर हुआ, बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट 12,000 शेयर पर 10 रुपीज़ से 1,20,000 ड्यू हुआ। और यहाँ पर भी आपको 100 शेयर पर जो है वो 10 रुपीज़ मीन्स 1,000 रुपीज़ यहाँ नहीं मिला, तो माइनस हुआ 1,20,000 से 1,000। तो बैलेंस आया 1,19,000, एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से जनरल एंट्री हम यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट में पास करेंगे। अब ये क्वेश्चन है ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में 2015 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दिया गया, लेकिन क्वेश्चन की जो लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा है। इसको देखिए, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग, निर्माण लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। तो बैलेंस यहाँ 5 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस यहाँ पर 5 रुपीज़ हुआ। एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। यहाँ पर एप्लीकेशन 45 आया, जबकि ऑफ़र 50 था, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है अगर आप ध्यान दें तो। पूजा टू होम 500 शेयर वर अलॉटेड, पेड हर इंटायर शेयर मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। पूजा ने अपने 500 शेयर के ऊपर अपना पूरा पैसा अलॉटमेंट के समय ही पे कर दिया, मीन्स कॉल से इन एडवांस हुआ यहाँ पे। वेयर एज कुंदन डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन हिज 300 शेयर, कुंदन ने 300 शेयर पे अपना पैसा नहीं दिया कॉल का। द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आपसे पूछा जा रहा है कि कितना मिला। तो आप यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ये हमारा 5 रुपीज़ से बैलेंस अमाउंट है, टोटल शेयर पब्लिक ने लिया 45,000, तो 45,000 × 5 ये मिलना चाहिए था, तो 2,25,000 हुआ। इसमें से पूजा एक शेयर होल्डर जिसने ऑलरेडी अपना पैसा पहले ही दे दिया, तो पहले दे दिया इसका मतलब 500 × 5 2,500 उसने पहले ही दे दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट कंपनी को मिलना चाहिए था 2,22,500 ये कंपनी को मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आगे कहा गया कि एक शेयर होल्डर कुंदन है जिसने 300 शेयर पे पैसा नहीं दिया, इतना पैसा मिल जाना चाहिए, लेकिन इसी में कुंदन एक शेयर होल्डर है जिसने 300 पर पैसा नहीं दिया, तो 300 × 5 उसने नहीं दिया, तो उसने नहीं दिया 1,500, तो 1,500 यहाँ से माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे 1,500 जब माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट यहाँ पर आपका आया 2,21,000, जो कि कंपनी को मिला, तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ थर्ड,
2,21,000 कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव हुआ. नाउ सी द आंसर 2,21,000. तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया एंट्रीज़ इशू ऑफ शेयर एट पार और लमसम केस में एट प्रीमियम एंड एट पार, ये सभी एंट्रीज़ आपको क्लियर होंगे. जो क्वेश्चंस हमने दो डिस्कस किए उसके आधार पर आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक द एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो. सो यू डू द क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, रिफ्रेशर बुक, वॉट एवर यू आर यूजिंग फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर.